हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर है फ्रिज का, तो इसमें हमारी सक्शन लाइन कौन सी है, डिस्चार्ज लाइन कौन सी है और चार्जिंग लाइन कौन सी है, इनकी क्या पहचान होती है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, ये इसमें तीन लाइन दी होती है, तीन लाइन, एक ये है, एक ये है और एक इसमें इस साइड लाइन होती है। तो गाइज, इनमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो सक्शन लाइन है वो कौन सी है और डिस्चार्ज लाइन कौन सी है। तो देखिए, हम उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को। तो गाइज देखिए, यहाँ पर हम जब कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसकी रिले ओवर लोड लगेगी और वो इजीली चल जाएगा। गाइज देखिए, हम इसमें क्या करना है, जब हमारे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, इन तीनों में से हम किसी भी पाइप पर जब हाथ रखेंगे अपनी उंगली इस तरह से, तो देखिए जो हमारी उंगली को बाहर की ओर फेंकेगा, जैसे कि अब हमने यहाँ पर उंगली लगाई और वो हमारी उंगली को जो है प्रेशर से बाहर की ओर फेंक रहा है, हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी उंगली जो हट रही है क्योंकि आगे से प्रेशर आ रहा है, तो हमारी होती है डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, जिस लाइन से हवा बाहर आती है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। और गाइस, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों में से किसी को चेक कर सकते हैं। तो हम इनमें से चेक करेंगे किसी को भी, तो जब हम इनको चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो हमारी जो उंगली है ये उंगली को पाइप अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर जो खींचेगा ये, जैसे हम इसको उंगली को रखेंगे तो ये हमारी उंगली जो है, खाल जो है थोड़ी यहाँ पर, तो ये हमारी खाल अंदर को बढ़ने लगेगी। उंगली तो इस पाइप में जा नहीं सकती, छोटा सा छेद है, तो इसलिए जो हमारी खाल है ये उंगली की, यही अंदर को जाएगी इसकी। यानी इसका सीधा सा मतलब होता है, ये हमारी जो है सक्शन लाइन है या चार्जिंग लाइन है। यानी हम इसको सक्शन लाइन भी बना सकते हैं, चार्जिंग लाइन भी बना सकते हैं। और हमारी तीसरी लाइन होती है ये, तो इसको भी हम चेक करेंगे, तो अगर ये हमारी अंदर की ओर खींचेगी उंगली, तो ये हमारी चार्जिंग लाइन है। यानी कहने का मतलब यह है, देखिए इसमें तीन लाइन दी गई है, हवा है अंदर से, हवा बाहर निकल रही है, तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन होगी। और जिसकी जो बाहर की हवा अंदर खींचेगा, तो वह हमारी होगी सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन। तो गाइज, हम इस तरह से इसका पता लगा सकते हैं इजीली। तो गाइज, जो हम चार्जिंग लाइन बनाएंगे, इनमें से ये हमारी दो जो है अंदर को खींच रही है हवा को, बाहर की हवा को अंदर खींच रही है, तो हम इनमें से किसी को भी चार्जिंग लाइन बना सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज लाइन हमारी एक ही रहेगी। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।